पिंक का है कुछ कुछ करना है। फुटबॉल संघ के द्वारा उसमें आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के महासचिव श्री दीपक शर्मा जी हैं, जो कि आपको विधिवत रूप से इसके विषय में ये आपको ब्रीफ करेंगे। तो आदरणीय दीपक शर्मा जी, नमस्कार। मैं हिमाचल प्रदेश का आयोजन जो है भारतवर्ष में करने जा रहा है, या तो इसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन करती है या फिर हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ जो है पहली बार इसके आई। सिर्फ एक यही मंशा है कि हमारे खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की जो है वो एक भावना पैदा हो। तो इस निमंत्रण पर श्री भाईचिंग भूटिया, जो कि पद्मश्री है और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी है, तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आ रहे हैं कि क्योंकि 11 तारीख को हमारे विशेष अतिथि इस आयोजन के आएंगे और हमने माननीय सुधीर शर्मा जी को भी आमंत्रित किया है मुख्य अतिथि के रूप में। और ये जो आयोजन है इसके अंदर हम वो रखे हैं, जैसे बेस्ट प्लेयर का इसमें अवार्ड है, जो हिमाचल प्रदेश में 2016-2017 में जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई है उसको इसमें एक कमेटी द्वारा, बेस्ट डिफेंडर गोल रक्षक रक्षा पंक्ति में खेलने वाले, बेस्ट मिडफील्डर जो हमारे मध्य पंक्ति में खेलते हैं खिलाड़ी, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने हिमाचल प्रदेश फुटबॉल के लिए अपने पूर्व काल के अंदर बड़ा अच्छा कार्य किया है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हमने इस सबसे ज़्यादा लड़कियाँ जो प्रशिक्षण ले रही है तो वो जो टीम है हिमाचल प्रदेश की पहली बार इसमें जो ऊर्जा एक घूमे हुई थी, पहली बार हिमाचल प्रदेश की टीम जो है वो सेमीफाइनल से लिया किसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में लड़कियों की, उस टीम को भी इसमें सम्मानित किया जा रहा है। बारह जिला और एक प्रथम बार पूरे भारतवर्ष में अवार्ड सेरेमनी यहाँ पे धर्मशाला में आयोजित करना जा रहा है, जिसमें हिमाचल की जो प्रतिभाएं हैं उनको उभरने के लिए एक हम प्रतिस्पर्धा की जो भावना है उनके अंदर लाना चाहते हैं और इसी उसके जो उसमें जो हमने इसमें ये अवार्ड सेरेमनी धर्मशाला में की है। इस अवार्ड सेरेमनी में सबसे खूबसूरत बात यह है कि पहली बार भाईचिंग भूटिया हमारे निमंत्रण के ऊपर, जो कि पद्मश्री हैं और भारतीय टीम के कप्तान भी रहे, एक स्टार रहेंगे, वो इस टूर्नामेंट अवार्ड सेरेमनी के अंदर यहाँ पे हमारे मध्य में आ रहे हैं और इससे हिमाचल की जो प्रतिभाएं हैं उनको अपना दमखम निकालने के लिए एक अच्छा शुभ अवसर यहाँ पे प्राप्त हो। और जो मुख्य अतिथि हमें इसमें माननीय मंत्री श्री सुधीर शर्मा जी, जो कि हमारे मध्य में होंगे इस फंक्शन के अंदर, और हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के प्रधान श्री अमित पाल जी भी जो है इस अवार्ड सेरेमनी में आएंगे। इसके अलावा भी जो है 12 जिलों की अकेडमी को इसके अंदर सबसे बड़ी जो हम कर रहे हैं कि जो हमारे जिला फुटबॉल संघ 12 जिला फुटबॉल संघ और जो फुटबॉल अकेडमी इनको सम्मानित कर रहे हैं, साथ में जो क्लब अभी नए हमारे से रजिस्टर हुए हैं और नई अकेडमीज हमारे बीच में जो अभी स्टार्ट हुई है उनको भी हम इसके अंदर जो है सम्मानित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने हिमाचल प्रदेश फुटबॉल के लिए अपने पूर्व में जो काम किया हैगा उसके लिए एक लाइफ अचीवमेंट अवार्ड्स की जो है हमने इसके अंदर रखा है और ये हमारा प्रयास हिमाचल के फुटबॉल को उठाने के लिए किया जाता है।